किए हो ना? नहीं, एक टॉपिक दिए थे कुछ दिए नहीं एक्सपोनेंशियल थे सर ऐसे। एरर कैलकुलेशन ऑफ द क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन दिए थे ना? याद नहीं है? अच्छा ठीक है। तो हम प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कशन किए थे? इनवर्स पावर मेथड ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए थे ना? यस सर, सेम रिवाइज कर लिए सर। रिवाइज कर देंगे? यस सर। ओके सर, रिवाइज। व्हाट अबाउट ये मिडसेम सिलेबस सर? क्या क्या? What about a midterm syllabus? Midterm unit 1 और जितना तक पढ़ाई हुआ है unit 2 को? No sir, only unit 1 sir. और कितने unit 1 करें? सारे एकदम? सर कहाँ तक आएगा? एग्जाम का कुछ नोटिफिकेशन आया है क्या? 11-12 तो सर। अच्छा तो ठीक है, हम एक अभी रिवीजन कर देते हैं। बेसिक पावर मेथड स्पेशली क्यों कैलकुलेशन करते हैं? बेसिक पावर मेथड क्यों कैलकुलेशन करते हैं? फाइंडिंग द लार्जेस्ट आइजिन वैल्यूज। बेसिक पावर मेथड is specially to calculate for largest eigenvalues. Largest eigenvalues. Largest eigenvalues, okay. The eigenvalues हम कैसे calculation करते थे? याद है सबको? इटरेटिव प्रोसीजर था उसका। a माइनस लैम्डा i इक्वल टू रिटर्न। स्टेप 1 में क्या था? गिवन में होगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स, a इज स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। A इज स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा एंड लैम्डा भी द डोमिनेंट्स ऑफ आइजन वैल्यूज। डोमिनेंट्स ऑफ आइजन वैल्यूज एंड एक भी होगा जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग नॉमिनल नॉर्मलाइज आइजन वेक्टर। भी होगा नॉर्मलाइज आइजन वेक्टर। आइजन वेक्टर These are the given data for calculation of the eigenvalues, for largest eigenvalues calculation करने के लिए ये data given होगा। तो first step था, हमको vector एक choose करना पड़ेगा step 1 में। given होगा, otherwise हम choose करेंगे भी 0 first starting vector and that to be you consider triple 1 1 1 1 डॉट डॉट ए कंसीडर करेंगे उसका ट्रांसपोज। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे? एक फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पे जिसको हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक रिलेशन था यूके इज इक्वल टू था कैपिटल ए इंटू वी के। ये तो ऑलरेडी गिवन है, वी ऑल्सो ऑलरेडी गिवन है, दिस इज द वी। व्हेन ए इनटू वी के, ए तो वेक्टर है, दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा।
and vk is the vector, then vk plus 1 हम calculation करेंगे vk plus 1, उसका क्या हमें u1 by uk maximum हम consider करेंगे into of vk, एंड के का वैल्यू जस्ट होता है 0, 1, 2, 3 डाटा। तो अभी क्या होगा ना, यू जीरो यू वन यू टू यू के वेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ वेक्टर्स, एंड वी जीरो वी यू कैपिटल वी जीरो कैपिटल वी वन दैट इज द वेक्टर्स, स्मॉल यू जीरो स्मॉल यू वन स्मॉल यू टू स्मॉल यू थ्री these are, and capital V0 that is up to up UN, capital V0 capital V1 capital V2 capital V3 up to capital Vn, a generate sequence of vectors, this one the generate sequence of vectors, so small V है. हाँ, ये यू के एंड कैपिटल वी के, यू जीरो यू वन यू टू एंड दिस इज वी वन वी टू वी थ्री एक्सेट्रा, द सीक्वेंस ऑफ वेक्टर्स वी जीरो वी वन वी एन विल कन्वर्ज टू ए वी, ये वी जीरो वी वन वी टू वी थ्री वी एन ऑल आर कन्वर्ज टू वी, तो दिस इज कॉल एक्चुअली एक पॉइंट में कन्वर्ज हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज द बेसिक कन्वर्जेंस पावर मेथड. देखते हैं एक एग्जांपल करेंगे तो पता चलेगा. एक मैट्रिक्स है वन सिक्स वन वन टू जीरो 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 थ्री, एज इन वेक्टर एक्स चूज कर, यहां पे दिया गया है वी जीरो इनिशियल वेक्टर है, इसका ट्रांसपोज, तो हम अभी कन्वर्ज पॉइंट, हमको हमारा काम है हम कन्वर्ज पॉइंट सर्च करेंगे. ये ट्रांसपोज मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वन जीरो जीरो दैट इज वी जीरो. अच्छा, तो फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे ए वी जीरो दैट इज कन्वर्ट, ये कंटिन्यू करेंगे ए वी जीरो एंड ए वैल्यू इज दिस वन 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 जीरो सिक्स टू जीरो वन जीरो थ्री एंड मल्टीप्लाई करेंगे वन जीरो जीरो. अभी मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आता है, देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भले कितना आएगा, दिस रो इज मल्टीप्लाई इनटू दिस कॉलम, ये फर्स्ट वैल्यू के साथ इसके फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये सेकंड वैल्यू के साथ सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे प्लस थर्ड वैल्यू के साथ थर्ड भाई मल्टीप्लाई करेंगे एंड एडिशन करेंगे, तो वन वन प्लस जीरो प्लस जीरो तो वन ही रहेगा, वन ही रहेगा. सेकंड में क्या होगा, दिस इज मल्टीप्लाई विद दिस कॉलम दैट इज ऑल्सो वन, थर्ड में करेंगे तो दैट इज जीरो, तो ये हो गया वन वन जीरो. तो यहाँ पे कुछ वन है तो वन ही कॉमन जाएगा, सबसे वन कॉमन लेंगे तो ये वन हो जाएगा, दिस इज वी वैल्यू, ये कन्वर्ज होना चाहिए. तो अभी ये वैल्यू वी वन वी जीरो था, ये वैल्यू अभी वी वन हो गया, वी वन दिस इज द वैल्यू ऑफ वी वन. अभी ए इंटू वी वन करेंगे, A into V1. Second case, A into V1.
तो ए का वैल्यू है 161 120 003 161 120 003 एक मैट्रिक्स है यहाँ पे भी 110 ये भी वन है, उसको हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कितना आएगा 730 आएगा ना ए सर 730 यहाँ पे 3 हम कॉमन ले जाते हैं तो वैल्यू कितना आता है 3 × 2.310 एंड दिस इज नेमिंग करेंगे बी टू नेमिंग करेंगे तो ए बी टू थ्री कॉमन के लिए क्या हुआ थ्री कॉमन के लिए थ्री यहाँ पे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर था इसीलिए उसको हम ले लिए हैं, अदरवाइज 7 को भी ले सकते हो। ओके एनीवन दोनों से एक को ले सकते सर, कॉमन नहीं लेने से चलेगा? नहीं कॉमन लेने से चलेगा नहीं, क्योंकि ये हमको मर्ज होना चाहिए, वन टाइम में दिस वैल्यू मर्ज होना चाहिए, कन्वर्ज करेगा। ओके सर। ओके तो ए भी टू अभी निकलना है, ए का वैल्यू कितना है 161 120 एंड 003 यहाँ पे अभी भी टू 2.310 इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आता है देखो 8.3 जीरो यहाँ पे 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा 2.1 1.1 0 ये हो गया। अभी भी टू था, भी थ्री ले लिया, दिस इज भी थ्री हो जाएगा। अगेन ए इंटू भी थ्री कैलकुलेशन करेंगे, ए का वैल्यू 1 2 1 कॉमन कॉमन 4.3 भी ले सकते थे ना। हाँ बोल नंबर लेते हैं, हाँ कन्वर्ज होगा जब वो मतलब राउंड अप कर देते हैं। 160 161 फिर आ जाएगा 120 फिर आ जाएगा 003 फिर मल्टीप्लाई करते हैं 2.1 1.1 and 0 2.1 1.1 2.1 1.1 and 0 फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आता है देखो, दिस इंटू दिस करेंगे तो कितना वैल्यू आता है 2.1 6.6 कितना है 2.1 6.6 8.8 6.8 कितना आएगा 8.8 राइट सर 8.7 फिर से 4 कॉमन ले जाइए
एवरेजली तो 4 2.2 हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा एंड 0 हो जाएगा, होगा। इसका प्रीवियस से क्या था, 2.2 1.10 ये भी इतना नहीं, प्रीवियस से नहीं था, 2.1 था, अभी हो गया 2.2 1.10, इसको हम V4 नेमिंग कर देते हैं, फिर A into V4 करेंगे, अगेन A into V4, A वैल्यू कितना आएगा 161 120 003, यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, V1 मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 1.10 2.2 1.10, अभी इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आता है देखो, 8.8 4.40 तो जस्ट यू कॉमन 4 ऑल्सो 2.2 1.10, तो सेम वैल्यू आ जाता है देखो, सो ये भी जब कंटिन्यू करेंगे तो दिस इज द फिक्स्ड आ जाएगा, बिकॉज फिर ये वैल्यू हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो फिर यही आएगा, हेंस 4 इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज, हेंस 4 इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज। Hence, 4 is the largest eigenvalues. And vector kya ho jayega? 2.2 1.10 2.10 bhi hum consider kar sakte hain. That is the eigenvector. ये आइजन वेक्टर आएगा, क्लियर एवरीवन? इफ हैव यू इन डाउट द पूछ लो। नमस्ते, इनवर्स आइगन वेक्टर के कैलकुलेशन किए थे जस्टिस पावर इनवर्स मेथड। ए इनवर्स हम कैसे कैलकुलेशन करते थे याद है सबको, इनवर्स बेसिक पावर मेथड, और एक मेथड था हमारा इनवर्स बेसिक पावर मेथड, ये तो हो गया था ना, ये हो गया था, किसका डाउट है क्या है ना, नेक्स्ट पढ़ेंगे या रिवीजन कर देंगे। एक क्वेश्चन दे दीजिए बस, A 1 2 3 0 1 4 5 6 0, ये तो ऑलरेडी हम बता दिए थे उसको भी, अरे फिर बता दीजिए, फिर बता देंगे हमेशा, कुछ दूसरा क्वेश्चन है तो दे दीजिए। यस सर, और दूसरा क्वेश्चन देंगे। यस सर, ओके जस्ट वेट।
हेलो सर। हाँ 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 एक मिनट, एक मिनट दे रहा हूँ। वन जीरो वन एक मैट्रिक्स है, वन जीरो वन, जीरो थ्री टू, जीरो जीरो टू, फाइंड बाय यूजिंग द इनवर्स बेसिक पावर मेथड, इनवर्स बेसिक पावर मेथड। और एक क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू वन थ्री थ्री, माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस थ्री, थ्री थ्री वन, तो उसका वैल्यू हम कैलकुलेशन करेंगे बाय यूजिंग द इनवर्स बेसिक पावर मेथड। ओके, ये करेंगे ना कर पाओगे? अभी ये दोनों बनाओ, एक क्वेश्चन बनाओ, हो जाएगा? हेलो सर। हेलो, तो जो शॉर्टकट तरीका बताए थे वैसे ही करेंगे, एग्जाम में चलेगा? बना सकते हो, जो एडजस्टमेंट ऑफ एन निकालते हैं वही वाला? बना, वो चले क्यों नहीं चले? और सर और एक था, सो स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका एडजस्टमेंट सिर्फ उसको उल्टा के माइनस कर देने से वो हर एक मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स में चलेगा, हमारा 2 क्रॉस 2 में वो होगा, नहीं तो हम जो मेथड बताए थे तुमको उसको करना पड़ेगा तुमको। तो 2 क्रॉस 2 का थोड़ा एडजस्टमेंट शॉर्टकट में मतलब दूसरा मैट्रिक्स में, हां नहीं तो तुम एडजस्टमेंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए भी करना पड़ेगा सर। वो तो करेंगे तो y1 y2 y3 सब निकालना पड़ेगा ना फर्स्ट में? हाँ हाँ वो करेंगे तो सब निकालना पड़ेगा। ऐसा एक शॉर्टकट बताए थे उसके, हम बताए थे प्रीवियस क्लास में, याद है शॉर्टकट मेथड? याद नहीं है? ये सर वो 2 क्रॉस 2 के लिए थोड़ा फिर से बता दीजिए। जो शॉर्टकट मेथड हम बोलाए थे वो याद है ना? नहीं बता देते हैं, नहीं तो बताएंगे। 3 क्रॉस 3 का याद है, 2 क्रॉस 2 का थोड़ा सा, 2 क्रॉस 2 का क्या जरूरत है, वो तो सिंपली है इसका, ये दोनों का इनवर्स में ये पॉजिटिव वाला, ये वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा, सिंपल ये सेम रहेगा, ये जो है वही ओनली प्लेस इंटरचेंज, ये इसका ओनली प्लेस इंटरचेंज होगा, बट ये दोनों का प्लेस इंटरचेंज होगा बट साइन चेंजेस होगा। ओके सर, सपोज 1 4 है 3 2 है, इसका हम एडजस्टमेंट अब निकालना है, तो ये ए वन वन का प्लेस है, वन टू का प्लेस है, ये टू वन का प्लेस है, ये टू टू का प्लेस है, ये दोनों इंटरचेंज कर दीजिए, ये दोनों इंटरचेंज कर दीजिए, यहाँ पे टू आ जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे फोर आ जाएगा, यहाँ पे थ्री आ जाएगा, और साइन ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, एंड डिटरमिनेंट ऑफ दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 2 minus 12, that is minus 10, minus 1 by 10 रहेगा, ये तो 2 plus 2 का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, 3 क्रॉस 3 में तुम इसी प्रोसेस करने से भी चलेगा जो हम बताए थे, क्या थे ना बताऊंगा फिर बोलो, फिर एक बार बता दीजिए।
एक बार बता बताएंगे सर। वन बाय माइनस वन बाय माइनस टेन, ये माइनस वन बाय टेन डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगा टू इंटू वन एंड माइनस फोर इंटू थ्री, टू इंटू टू माइनस फोर इंटू ट्वेल्व दैट इज माइनस टेन आएगा ना डिटरमिनेंट वैल्यू। सो दैट इज वन बाय माइनस टेन और माइनस वन बाय टेन कर सकते हैं इसका जो एडजेसेंट ऑफ वैल्यू। डाउट फिर से बता दीजिए कौन सा वाला, टू क्रॉस टू वाला, एक मैट्रिक्स वन टू थ्री फोर है इसका इनवर्स निकलना है एडजेसेंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजेसेंट ऑफ ए मतलब क्या होता है ना, कोफैक्टर, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए। ए का ट्रांसपोज करेंगे तो कोफैक्टर हम कैसे कैलकुलेशन कर देना, सी आई जे इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। सी आई जे इज इक्वल टू माइनस वन आई प्लस जे, देखो इसका जो प्लेस है ये वन वन का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो इसके हिसाब से जब जाएंगे तो सी वन वन दैट इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर वन प्लस वन मीन्स ये पॉजिटिव हो जाता है इनटू एम वन वन। एम वन वन कैसे निकालेंगे ना, इसी एलिमेंट का रो एंड कॉलम को ओमिट कर देंगे बाकी वैल्यू है एम वन वन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द फोर। C11 फोर हो गया मतलब दिस इज प्लस C11। C12 क्या हो जाएगा, C12 हो जाएगा माइनस वन टू द पावर वन प्लस टू इंटू एम वन टू, ये नेगेटिव हो जाएगा। एम वन टू मतलब कितना है, एम वन टू ये वैल्यू फर्स्ट और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दैट इज टू वैल्यू तो माइनस टू हो जाएगा। सी वन टू फिर सी टू वन ये नेगेटिव आएगा, से एम टू वन कितना आएगा टू वन, दिस इज द वैल्यू टू वन टू, एम टू वन टू उसको छोड़ देंगे तो थ्री आ जाएगा माइनस थ्री। सी टू टू तो ये एम टू टू निकल रहा है मतलब सेकेंड रो का हम माइनस करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम में सेकेंड रो माइनस हो गया तो ओनली वन आएगा। वन आएगा सी टू टू, तभी हो जाएगा एडजेसेंट ऑफ ए मतलब सी वन वन रो वैल्यू कॉलम में आ जाएगा अभी डाल देंगे क्योंकि सब वैल्यू हमको मालूम है यहाँ पे। कितना आ गया, सी वन एंड फोर, सी वन टू माइनस टू
फोर माइनस टू C21, C22 फिर लिखेंगे C21 माइनस 3 वर्ड ये भी लो आ जाएगा आज सुन जाएगा तो डिटरमिनेंट अभी निकल देना है ऑन हो जाएगा ओके तो दिस इज एडजेसेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ए वन हो जाएगा तो इनवर्स मतलब क्या हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजेसेंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए सर डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या वन होता है वन होगा नहीं नहीं ज्यादा है सर माइनस टू तो ऐसा था देखो फाइव माइनस सिक्स मान माइनस वन आएगा ओके क्लियर सर माइनस टू आएगा ना माइनस टू सर फोर माइनस सिक्स सर माइनस टू आएगा माइनस टू आएगा फाइव सिक्स दिया लेकिन क्या सर फोर माइनस सिक्स होगा ना माइनस टू माइनस टू फोर माइनस सिक्स हाँ तो ये एडजेसेंट ऑफ ए टू क्रॉस टू का थ्री क्रॉस थ्री का तो हम बताए थे उसी टाइम में करने से चलेगा कुछ असाइनमेंट लिख लीजिए सर कौन सा असाइनमेंट अभी हम इनवर्स बेसिक पावर मेथड इनवर्स बेसिक पावर मेथड में कुछ असाइनमेंट हम दे देते हैं अच्छा ये एक्सपेंशन लर्निंग के लिए दिए थे कुछ किए हो नहीं सर कहां कुछ दिए थे सर कुछ नहीं दिए थे ऐसा कुछ क्वेश्चन तो नहीं दिया गया सर एक गिविंग स्प्लाइन इंटरपोलेशन के बारे में एरर कैलकुलेशन कीजिए नहीं है डेट में सर्च करिए एरर कैलकुलेशन पर गिविंग स्प्लाइन इंटरपोलेशन क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन ओके और कुछ असाइनमेंट तुम लिखो क्योंकि मुझे डिपॉजिट करना है लास्ट में मैं यहाँ पे भी दे दूंगा Determine the largest eigenvalues.
determine the largest eigenvalues of the corresponding eigenvectors of the following matrix. A is equal to 161. ये तो ऑलरेडी किया हुआ था. 132 माइनस 102 345 initial vector 11 transpose. ये क्वेश्चन करो, नेक्स्ट मुझे सबमिट कर दीजिए. सर कौन ये दो क्वेश्चन है, ये बेसिक पावर में भी कीजिए, इनवर्स बेसिक पावर में भी इसको बनाइए, दोनों में. सर कब सर देना है? कर दे दीजिए. सही, बस में स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू निकल. हां, यस, ये दोनों प्रोसेस में कीजिए, स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू के लिए भी कीजिए. सर मेल में भेजना है ना फिजिकली? मेल मेल में भेज दीजिए स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यूज. ओके सर, और वो एक्सपीरियंस लर्निंग का क्या बोले थे? एक्सपोनेंशियल लर्निंग, एक्सपोनेंशियल लर्निंग एक था, तुमको हम दिए थे क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन के बारे में, उसका लिखना है क्या, एरर कैलकुलेशन करने के लिए, एरर कैलकुलेशन फॉर क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन. तुम कुछ पेपर देख सकते हो नेट में, एरर कैलकुलेशन calculation for cubic spline interpolation, cubic spline interpolation. Okay, this is a project work. Actually, exponential learning के बारे में एक paper तुम्हें करना है, उसका abstract लिखना है, उसका theorem लिखना है, उसका प्रोसेस लिखना है, उसका एरर कैसे कैलकुलेशन करते हैं उसको लिखना है. ओके, नेट में सर्च कर सकते हो द एरर कैलकुलेशन फॉर क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन. ओके सर, ये कब तक करके देना है? ये 15 डेज के बाद दीजिए, एग्जाम के बाद. ओके सर. सर तो सर कल जो भेजेंगे सिर्फ लाइन इंटरपोलेशन, सर वो आइगन वैल्यूज का सिर्फ भेजना है कल? हाँ, आइगन वैल्यूज कल मुझे भेज दीजिए मेल में. ये जो दो प्रॉब्लम है उसको मैंने मेल में भेज दीजिए. ओके ओके, तो वी डिस्कस नेक्स्ट क्लास. ओके, नेक्स्ट एक टॉपिक डिस्कशन करेंगे. ओके तो है, नेक्स्ट क्लास कल डिस्कशन करेंगे अगेन. सर आज का वीडियो अपलोड कर दीजिएगा सर? हाँ, ये अपलोड कर देता हूँ. ओके.